हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दर्पण ऑफ ज्ञान। टुडे वी विल कंटिन्यू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द विलेज सॉन्ग। द विलेज सॉन्ग पोएम सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है। ये 10th क्लास की पोएम है और जो 10th क्लास में 70% सिलेबस बचा है तो 70% सिलेबस में तीन पोएम ली गई हैं। फर्स्ट है द फाउंटेन, सेकेंड है द सम ऑफ लाइफ एंड थर्ड है द विलेज सॉन्ग बाय सरोजिनी नायडू। तो फर्स्ट वी विल सी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द थीम ऑफ द पोएम इज अ कंपैरिजन बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट एडवांस इन मटेरियल प्लेजर एंड द वर्ल्ड ऑफ नेचर दैट इज कॉन्ट्रेरी टू इट। जो कविता का मुख्य विषय है, कवित्री ने इसमें बताया है, जो कविता का उनकी मुख्य विषय है वो है मानव संसार जो भौतिक आनंदों से पूर्ण है तथा प्रकृति का संसार जो इसके विपरीत है, उसके मध्य जो भी अंतर है उसका इसमें कवित्री ने वर्णन किया है। कवित्री का मुख्य उद्देश्य भौतिक संसार और जो मानव संसार भौतिक संसार है उसमें और जो प्रकृति का संसार है उसमें अंतर करना मुख्य उनका विषय है। द मदर रिप्रेजेंट द मेटीरियल वर्ल्ड, जो माँ है उसने इसमें इस पोएम में जो माँ को दर्शाया गया वो है उसने इसमें भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व किया है। सी रिकाउंट्स सम ऑफ द फीचर, और उसने इस भौतिक संसार के कुछ फीचर्स गिनाए हैं। ऑफ दिस ह्यूमंस मेटीरियल वर्ल्ड लाइक ज्वेलरी, मैरिज, ब्रिडल, सॉन्ग्स, क्रेडल सॉन्ग्स, सेंडर सेंट एंड लेजर, इट इम्प्लाइज मैरिज, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। जो उसने इस मानव संसार की कुछ विशेषताएं बताई हैं, विशेषताएं रिकाउंट कराई हैं, वो कौन सी हैं? आभूषण व विवाह के समय गाए जाने वाले गीत, शिशुओं के लिए गाए जाने वाली लोरियां, जबकि इसके विपरीत जो पुत्री है वो अपने जो प्रकृति का संसार है उसका प्रतिनिधित्व करती है। द डॉटर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड ऑफ नेचर, जो उसकी पुत्री है वो जो प्रकृति का संसार है उसका प्रतिनिधित्व करती है। द ब्लॉसम्स ऑफ चंपा, द आइसलैंड्स इन द रिवर रिसाउंडिंग विद कुकूज कूइंग, गर्गलिंग ऑफ स्टीम्स अट्रैक्ट हर, सी नोज दैट लाफ्टर एंड ऑल द सॉन्ग्स विल एंड इन सोरो। जो चंपा का पुष्पित होना, नदी में स्थित कोयल के कूक से गंजना, टापू झरनों का कलकल स्वर उसे आकृष्ट करते हैं, उसे यह विदित है, सी नोज दैट लाफ्टर एंड ऑल द सॉन्ग्स विल एंड इन सोरो। उसे यह विदित है, वो ये अच्छी तरह से जानती है कि हास्य व समस्त गीत दुख में समाप्त होते हैं। जो हमारे हास्य गीत वगैरह जो होते हैं वो दुख में सभी समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें कवित्री जो हैं उन्होंने भौतिक संसार जो मानव संसार है, मानव का संसार है जो भौतिक संसार, उसके बीच और जो हमारी प्रकृति का संसार है उसके बीच जो अंतर है उसको इसमें दर्शाया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।